अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए जैसे नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं वैसे मैंने स्लीव्स कट कर ली और ये मैं बिना लाइनिंग के बना रही हूँ। देखिए मैं आपको स्लीव्स का साइज बताती हूँ। देखिए स्लीव्स की जो हमने लंबाई ली है वो 14.5 इंच ली है, तैयार में ही 13.5 इंच आएगी। इसकी ब्रिथ जो हमने ली है 8 इंच ली है। देखिए जो डिजाइन हम कट करेंगे पहले कैनवास पे फिर हम स्लीव पे कट करेंगे। देखिए कैनवास मैंने डबल फोल्ड कर लिए। देखिए ऊपर से हम 3 इंच में निशान लगा लेते हैं और इस तरह हम 2.5 इंच में निशान लगा लेते हैं इसे। देखिए इस तरह, देखिए ऊपर से हम 1 इंच में निशान लगा लेते हैं, सेम इसी तरह नीचे भी। देखिए यहां से 1.5 इंच में निशान लगाएंगे, चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच लेंगे। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिए, इसी तरह मैं चार कट करूंगी। देखिए इस तरह मैंने चार कट कर लिए। अब सेम ग्राफ रख के इसका लाइनिंग भी कट करेंगे हम। देखिए इस तरह हमने लाइनिंग रख लिया है नीचे और सेम इस पे हम कट करेंगे, इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया, इसी तरह मैं इन तीनों के भी कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने सारे कट कर लिए। नीचे मैंने लाइनिंग रख लिया है, ऊपर मैंने कैनवास रख लिया, इस तरह हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इसी तरह मैं और 3 तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने सारे तैयार कर लिए। नीचे मैंने स्लीव रख ली सीधी और देखिए हमारे सेंटर पार्ट है और ये देखिए इस तरह हम इसके बीच में रखेंगे। ऊपर से हमने 1 इंच का गैप दिया है, इस तरह पिन से सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैं पिन लगा लिया और हम दूसरा लगाएंगे ट्रायंगल। देखिए जो हमने यहाँ लगाया है इसके हम 1/2 इंच ऊपर लगाएंगे इस तरह। देखिए इसे पिन से सेट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैं चारों सेट कर लिए पिन से। देखिए और नीचे हमारा देखिए गैप आ रहा है नीचे फिनिशिंग देने के लिए भी, और हम इसमें ट्रायंगल में सिलाई लगाएंगे। इस तरह मैं सिलाई लगा दिए, इस तरह मैं बाकी तीनों में सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैं चारों में सिलाई लगा दी। अब जो हमारा बीच का है हम कट करेंगे। देखिए इस तरह हम कट दे देंगे पहले एक। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं बाकी तीनों भी कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने पूरे कट कर दिए, अब बीच हम कट दे देंगे जहां हमारे कोने आ रहे हैं। देखिए इस तरह में पूरे में कट दे दिया है, अब हम इसे इस तरह अंदर फोल्ड करेंगे। देखिए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह में सिलाई लगा दी, इसी तरह में बाकी तीनों में सिलाई लगा लेती हूँ इसी तरह अंदर। इस तरह में पूरे में सिलाई लगा दी, अब नीचे हम फिनिशिंग देंगे इसमें। देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे, इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगा देते हैं। देखिए हमने नीचे फिनिशिंग दे दी, तो देख सकते हैं हमारी पूरी स्लीव रेडी हो गई है। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी है, देखिए मैं पूरे में सिलाई लगा थी। देखिए जो मैं ट्रायंगल बनाए थे पूरे में, और देखिए और भी सुंदर लुक आने के लिए गोल्डन कलर के 3 बटन लगाए। इसी तरह आप दूसरी स्लीव भी रेडी कर लीजिए अपनी। देख सकते कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारी स्लीव का। इस आसान तरीके से आप सुंदर स्लीव बना सकते हैं
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।